हेलो एवरीवन, आज हम हमारी थर्ड कविता किताबें ये स्टार्ट कर रहे हैं। इस कविता के कवि का नाम है गुलजार। पहले कविता के कवि का परिचय देखते हैं। गुलजार जी का पूरा नाम है संपूरन सिंह कालरा। इनको गुलजार इस उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में हुआ था। स्थान भारत के झेलम जिला पंजाब दीना गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। ये एक कवि है, पटकथा लेखक है, फिल्म निर्देशक है, नाटककार है और शायर भी है। इनकी कुछ कृतियाँ जो बहुत प्रसिद्ध है, चौरस रात, लघु कथाएँ, रावी पार, कथा संग्रह रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये कविता संग्रह, खराशे, कविता, कहानी का कोलाज, ये सारी इनकी कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। गुलजार जी, गुलजार नाम से लोकप्रिय एक भारतीय गीतकार, कवि, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार, इन सारी पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए हैं। अब पद्य संबंधी देखते हैं कि किताबें इस कविता में कवि गुलजार जी ने हमें क्या पढ़ने के लिए दिया है। ये इस कविता की विधा है। नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली एक काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। किताबें इस कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उससे मनुष्य की बढ़ती दूरियाँ तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में असुविधाओं का आदि, इन बातों का मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। इस वीडियो में हमने कवि गुलजार जी के बारे में पढ़ा और पद्य संबंधी पढ़ा। कविता में क्या दिया गया है, किताबें इस कविता में हमें क्या पढ़ना है, ये देखा है। नेक्स्ट वीडियो में कविता का भावार्थ देखेंगे। थैंक यू।